previously. So guys, पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे मैं नेदर रूफ में गया, गोल्ड फार्म बनाया और सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया, और कैसे मैं एंडरमैन के मजे ले रहा था और उससे मुझे मार डाला। मेरे विलेज से लेके एंड पोर्टल तक मैंने ब्रिज बना ही लिया था, पर मेरे स्टोन ब्रिक्स खत्म हो गए थे। और इस वाली वीडियो में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑफलाइन बैठ के मैंने ग्राइंडिंग की है। ओके सो गाइस, थैंक यू सो मच मेरे पिछले वाले एपिसोड को इतना प्यार देने के लिए। बहुत लोग ने मेरे को सपोर्ट किया, बहुत लोग को वो एंडरमैन वाला पार्ट अच्छा लगा, और कुछ लोग तो हंस भी रहे थे कि भाई मैं इतना ऊपर चढ़ा गोल्ड फार्म में, नीचे गिरा और मर भी गया। बट कोई बात नहीं गाइस, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाने वाला हूँ। दो दिन लगा के मैंने प्रॉपर ग्राइंडिंग की है, और हाँ थोड़े से रेलवे ट्रैक्स ऑलरेडी बना लिए ताकि पिछली बार की तरह 2 घंटे ना लग जाए मेरे को। तो आज की वीडियो में रेलवे ट्रैक्स डेफिनेटली बनाऊंगा, और बिछाना भी है और कार्ट बना के हम सैर करेंगे। सबसे पहले भाई खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। ये हमेशा ऊपर ही क्यों चढ़ा रहता है, हटना वे बेवड़े। हाँ ओके, क्या खाऊं, चिकन खा लेते हैं यार। देखो पोक चॉप तो बहुत टाइम से खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, थोड़ा चिकन भी खा लेते हैं। ओ 3 चिकन खाने पड़ते हैं, बीफ होती तो 2 खाने पड़ते भाई। हट, अब मैं बीफ ही खाऊंगा भाई, उससे जल्दी जल्दी हेल्थ बढ़ती है। बट एनीवेज चलो फटाफट से सो जाते हैं भाई, और दूसरा एंडरमैन आ जाएगा मेरे को मार देगा। ओके सो गाइस, गुड मॉर्निंग, फटाफट से काम शुरू करते हैं, मेरा मतलब गधा मजदूरी। एंड आई थिंक उससे पहले ना मैं आपको अपना दिखा दूं, जो मैंने ग्राइंड किया। नहीं यार उसे ना टाइम वेस्ट हो जाएगा, एक काम करते हैं, जो मैंने रेलवे ट्रैक्स बनाए हैं वो ले लेते हैं और नए रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं। एंड उसके बाद जब मैं बिछाऊंगा ना आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, मैं दिखा भी दूंगा कि क्या मैंने ग्राइंड किया है। सो ऑफलाइन में मैंने देखो और बैठ के स्टोन डाले हैं, लेकिन अब देखते हैं कि वो हुए होंगे या नहीं, पता नहीं। अभी ब्रिक्स हाँ बनाने तो है, 2 आई थिंक ब्रिजेस और बनाने हैं, एक नेदर में बनाना है अपने पोर्टल से लेके नेदर फोर्ट्रेस तक, फिर एक बनाऊंगा अपने नेदर पोर्टल से लेके जहाँ पे एंडरमैन स्पॉन होते हैं वहां तक, और दूसरा क्रिम्सन तक। भाई भर दूंगा भाई मैं रेलवे स्टेशन, लेकिन ओवरवर्ल्ड में बनाना इजी है और नेदर में नहीं, क्योंकि वहां पे घास आती है, आग मार के तोड़ देगी मेरा, इसलिए भाई देखेंगे वो दिमाग लगाएंगे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले रेलवे ट्रैक्स ले लेते भाई, रेलवे ट्रैक्स कहाँ है? हाँ ये रे, मैं बोला किधर चले गए, बीफ भी ले लेते भाई, स्टेक ले लेते, चलो मैं और तो कुछ नहीं है ना, नहीं है, लेट्स गो। तो गाइस चलो फटाफट से, और हाँ एक और काम, बहुत सारे अगर मेरे को रेलवे ट्रैक बनाने हैं तो मुझे गोल्ड, तो भाई देखो तुम्हें पता है कि अब मुझे अनलिमिटेड गोल्ड मिलता रहता है, तो ये बढ़िया हो गया, अच्छा किया गोल्ड फार्म बना के। फटाफट से अंदर चलते हैं, आयरन कलेक्ट कर लो, अबे जल्दी मार, इसमें तो होता नहीं है, इसमें होता है। ओ भाई फ्री का माल मिलता है तो बड़ा मजा आता है गाइस, लेट्स गो। ओके तो भाई बहुत सारा आयरन मैंने ले लिया है, फटाफट से चलते हैं। और गोल्ड नगेट में ऑलरेडी लेके आ गया था वहाँ से, नेदर से वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आई मीन नेदर रूफ से, क्योंकि यार देखो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी मेरे को, इसलिए गोल्ड ऑलरेडी ला चुका हूँ। फटाफट से उसको इनवर्ट में कन्वर्ट करते हैं, एंड उसके बाद हम पावर रेल और नॉर्मल रेल बना लेंगे। और हाँ मैं तो भूल भी गया, मेरे को टॉर्च भी बनानी है, क्योंकि देखो लाल वाली जो रेड डस्ट से बनती है टॉर्च, उस वही पावर देगा ना। ओके तो गाइस सारे के सारे आयरन इंगट्स पहले मैंने इधर रख दिए हैं, एंड ये देखो कितने सारे यहाँ पे इंगट्स हैं, मैं वहाँ से लेके आया था गोल्ड फार्म से। एंड सबसे पहले देखो रेल बनाने के लिए हमें तो ये चाहिए भाई, बहुत सारे चाहिए, लिटरली भाई बहुत सारे ये चाहिए, एंड आई थिंक स्टिक चाहिए। तो स्टिक तो मेरे पास है, और अगर स्टिक खत्म भी हो जाएगी तो प्लैंक भी ले लेते हैं, एंड ये रहा, लेट्स गो। ओ भाई तो भर गया मेरा ये, अब कहाँ रखूँ, एक काम करते हैं टेम्प्ररी यहीं रख देते हैं गाइस। आई नो ये डायमंड वाला है, बट कोई बात नहीं, टेम्प्ररी यहीं रख देते हैं। मेरे को आई थिंक 700 चाहिए होंगे, 700, तो सोचो कितने ज़्यादा बनाने पड़ेंगे मेरे को। ओके सो गाइस इतने सारे और बना लिए मैंने, देखो कितने सारे, आई थिंक ये इनफ होना तो चाहिए, बट नहीं यार कम पड़ेंगे, तो कोई बात ही नया बना लेंगे, क्योंकि मेरे पास लकड़ी भी बहुत सारी है एंड आयरन भी बहुत सारा है। अब डर ये है कि गोल्ड ना खत्म हो जाए, वापस से मुझे नेदर रूफ पे जाना पड़ेगा वरना। हाँ यार रख देते हैं बाकी के, वो तो फुल हो गया है चेस्ट। अब फटाफट से बना लेते हैं गोल्ड वाला, क्योंकि गोल्ड वाले की भी मुझे जरूरत है, एंड उसके बाद पावर्ड टॉर्च बना लेंगे, रेड डस्ट टॉर्च जो भी बोलते हैं उसको। और पावर ड्रिल कैसे बनती है भाई? ओके रेडस्टोन डस्ट स्टिक चोर कोल्ड, ओके कोई बात नहीं मेरे पास है। अरे हटना यार चेस्ट नहीं खुलती। हाँ अरे यार पहले तो मुझे इनगट बनाने पड़ेंगे इनको, चलो फटाफट से गाइस पहले इनको इनगट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके गाइस देखो फटाफट से इनगट में कन्वर्ट कर लिया इनको ऑलमोस्ट। ओके गाइस इनगट में तो कन्वर्ट कर लिया है, और भी अगर है ये भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये जो एक्स्ट्रा है इसको फेंक देते हैं।
एंड स्टिक चाहिए थी, अरे स्टिक तो वहाँ से लानी पड़ेगी, फटाफट से स्टिक लेके आता हूँ। लेट्स गो लेट्स गो। अरे रेड डस्ट यहाँ पे छुपा के रखा है मैंने। हाँ ये रहा रेड डस्ट, और भी होगा भाई। ये क्या है? नहीं ये तो कुछ और है। सारा का सारा रेड डस्ट ले लेते हैं। एंड नेम टैग की ज़रूरत, वो ये भी है, गोल्डन गट यहाँ से भी ले लेता हूँ। और डायमंड यहाँ क्या कर रहा है? डायमंड को ऊपर रखो भाई। ओके फटाफट से ऊपर चले, यहाँ पे रख देते डायमंड अपना। अबे ये तो भर गया, बड़ा कोई बात नहीं। चलो गाइस फटाफट से पावर ड्रिल बना ले। हाँ कितनी बनेगी मेरे को वो नहीं पता भाई। ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 5 स्टैक बने हैं भाई, और 4 एक्स्ट्रा। पता नहीं भाई ये कम पड़ेगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास अब गोल्ड खत्म हो चुका है। शिट, मेरे को लगता है वापस से गोल्ड फार्म जाना पड़ेगा, बट अभी नहीं जाऊंगा, अभी पहले मैं बिछा लूंगा, क्योंकि आई थिंक हर 3 या 4 नॉर्मल ट्रैक के बाद एक पावर ड्रिल होगा, तो आई थिंक इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है पड़ेगी तो मैं चला जाऊंगा वहां पे गोल्ड फार्म में और वहां से ले आऊंगा। एंड फटाफट से पावर्ड टॉर्च बना लेते हैं, रेड टॉर्च या रेडस्टोन टॉर्च बोलते हैं उनको, बना लेते हैं। पता नहीं कितनी बनेगी भाई, जितनी भी बन सकती है बना लेते हैं। 2 स्टैक हो चुके हैं, और बना ले क्या, बना ले क्या? चलो 1 स्टैक और बना लेते हैं गाइस। अरे अरे अरे, हाँ 1 स्टैक और बना लिया, आई होप अब। ओ शिट, मेरे पास रेड डस्ट का, रेडस्टोन डस्ट कम हो रहा है, नीचे वापस से केव में जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, चले जाएंगे, अब तो हम प्रो बन गए हैं। फटाफट से टूल भी ले लेते हैं यार, देखो टूल की कभी कभी जरूरत पड़ती है, ले लो भाई जितना भी जरूरत होगा ये फटाफट से ले लेते हैं, भर देते हैं भाई इसको। ओके गाइस, तो मैंने अपने आप को स्टैक कर लिया है। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे रेलवे स्टेशन अभी तो नहीं बनाया, ऑब्वियसली पहले मैं ट्रैक बिछाऊंगा, उसके बाद लास्ट में रेलवे स्टेशन बनाऊंगा, और आपसे मैं सजेशन में लूंगा कि क्या रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लैडर लगा दिया, और देखो प्रॉपर एंट्री बना रखा है यहाँ पे, बहुत प्यारा लग रहा है ये मैंने ग्राइंड किया, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया। एंड ये देखो गाइस सबसे बढ़िया चीज क्या बनाया है मैंने, ये आपको दिख रहा है, लावा का पिलर बनाया है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे यहाँ पे, अरे अबे मैं हमेशा गिरता ही रहता हूँ भाई, मैं गिरा ही हुआ बंदा हूँ। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, रुक जाओ, अरे जल्दी आगे बढ़ जा भाई। हाँ जैसे यहाँ पे मैंने लावा लगाया था अपने कैसल के बाउंड्री पे, यहाँ से तो मैंने ऑब्वियसली लिया नहीं क्योंकि यहाँ पे मेरे को कम पड़ जाता, लेकिन 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 तो गाइस जब मैं नेदर में जाता हूँ अपने पोर्टल से, और वहां पे जो रास्ता मैंने बनाया था नेदर रूफ का, वहां पे कितना बड़ा लावा पूल था, ये पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। कम से कम भाई कितनी बार, मतलब पता नहीं भाई 3 4 5 घंटे लग गए होंगे, मैंने कम से कम 20-30 लावा मतलब बकेट बनाई थी, और लावा वहां से पकड़ पकड़ के लेके आया, और भाई देखो यहाँ पे मैंने क्या ही बना दिया। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे ना ब्रिज तो बन नहीं सकता, जैसे मैंने ये ब्रिज बना रखा है, ये मैंने थोड़ा ग्राइंडिंग किया ऑफलाइन बैठ के, क्योंकि मैंने उस वाली वीडियो में सिर्फ ऊपर वाला ब्रिज बनाया था, लेकिन इसमें मैंने ये इसका सपोर्ट के लिए, तो सपोर्ट की जरूरत तो होती नहीं वैसे माइनक्राफ्ट में, तो लटकते रहते हैं, बट ये ऐसे ही अच्छा दिखे मैंने इस पे वो सपोर्ट के लिए पोल क्या जो भी बोलते हैं यार, जो भी बोलते हैं इसको, ये मैंने बना दिया। हाँ अब ये देखो भाई, यहाँ पे तो ऑब्वियसली नीचे पानी है तो नहीं बन सकता, तो मैंने क्या किया, वाटर बकेट से पानी लगाया और उसके नीचे क्यूब लगाया, थोड़ा सा नीचे 2 क्यूब लगा के 1 क्यूब को तोड़ा, फिर वाटर बकेट से लावा डाल दिया। तो सोचो भाई मुझे कितना टाइम लगा होगा भाई, और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, है ना, ये है दिमाग। धीरे धीरे वापस से एक्टिव हो रहा हूँ, अब दुख को तुम क्या क्या वीडियो बनेगी भाई माइनक्राफ्ट की। तो एक काम करते फटाफट से सो जाते, रात हो गई है, उसके बाद हम रेल बिछाने चलेंगे। चलो गाइस फटाफट से सुबह हो चुकी है, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से रेल लगाते हैं, इसको ना इधर ले आते हैं। अबे एंडरमैन क्या कर रहा है यहाँ पे, अबे यार पिछली वीडियो में भी मार दिया था इसने मेरे को, ये वही वाला एंडरमैन है जिसने मुझे मारा था, इसको मारू क्या? अबे साला मेरी तरफ देख रहा है भाई वो, नहीं नहीं मैं नहीं मार रहा भाई, मेरे में वैसे मार तो सकता हूँ, मेरे पास तलवार है, इसकी माँ की आंख बदला लूंगा मैं। गाइस रुक जाओ, कहाँ गया? अबे ओ टेलीपोर्टर की औलाद, अबे कहाँ गया भाई? डायमंड शॉट देखते ही उसकी जीभ फट गई भाई, भाग गया वो। चलो अच्छा भाई भाग गया, वरना इसका बाप इसको मार देता। एनीवेज फटाफट से चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड अबे अबे, अबे हाँ तो ये वाला जो रास्ता है ये मेरा एंड पोर्टल का, यहाँ पे मैं अभी वो लगा दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, साइन बोर्ड लगा दूंगा गाइस यहाँ पे, और लिख दूंगा टुवर्ड्स एंड पोर्टल, यहाँ पे साइन बोर्ड लगा दूंगा टुवर्ड्स नेदर रूफ। तो फटाफट से यहाँ से ही शुरू करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी माइन कार्ट मैं बाद में बना के ना एक चेस्ट में डाल दूंगा ताकि कम ना पड़े मेरे को। एंड आई थिंक ट्रैक यहाँ से शुरू कर देते हैं।
एंड यहाँ पे एक ब्लॉक तो मैं नहीं लाया, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दूंगा, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देता, एक सेकेंड यहाँ तक करता गाइस, रुक जाओ बस, अब ये बाद में बनाएंगे, पहले यहाँ का बना लेते हैं एंड लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। ओके सो गाइस, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं पागल की तरह रेल लगाता जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को हर चार के बाद एक पावर लगानी थी, वो तो मैं भूल ही गया, तो फटाफट से चलो वो कर लेते हैं, 1 2 3 4 ओहो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ओके तो यहाँ पे लगा देते हैं पावर ड्रिल। और गाइस एक और गलती कर दी है, मेरे को यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है साइड में और एक ब्लॉक लगाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लगेगा मेरा रेडस्टोन डस्ट का टॉर्च और यहाँ पे लगेगा नॉर्मल टॉर्च, क्योंकि रात के टाइम पे भाई मॉन्स्टर स्पॉन हो गए थे, मैं पागल हो गया था। चलो फटाफट से लेके आते हैं ब्लॉक। ओके सो कहीं ज्यादा दिमाग में नहीं लगा रहा यार, देखो इतना 42 टॉर्च ले लिया, आई थिंक ये हो जाएगा, कम पड़ेगा तो मैं वापस ले आऊंगा, बट ये याद रखना है कि हर चार रेल के बाद मेरे को एक पावर्ड बनाना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। अब पता नहीं चार था या तीन था, मुझे ये नहीं मालूम। हाँ ऐसे 1 2 3 4 सो गाइस यही करना पड़ेगा मेरे को, हर चार के बाद एक पावर ड्रिल लगानी पड़ेगी एंड ये लगाना पड़ेगा मेरे को रेड टॉर्च इधर, या किधर लगाऊं, इधर लगा देता हूँ और इसका एक इधर लगा देता हूँ भाई, वैसे जरूरत नहीं है ये टॉर्च यहाँ पे लगाने की, क्योंकि यहाँ पे कैंप फायर लगा रखा है तो इनफ होगा लाइट। तो गाइस देखो ये तो अब पावर्ड हो गई है, अब वापस से अपना काम शुरू कर देते हैं, लेट्स गो 1 2 3 4 तो अब यहाँ पे मेरे को ऐसे ब्लॉक लगाना है इधर, और यहाँ पे मेरे को डर्ट लगाना है भाई, देखो मैं डर्ट और वही लगाऊंगा, ज्यादा कॉबल स्टोन वेस्ट नहीं करना चाहता, दो यहाँ पे मैं लगाऊंगा टॉर्च और यहाँ पे मैं लगाऊंगा रेड स्टोन, तो ये हो गया पावर्ड। ओके गाइस अब लग रहा है बढ़िया, आप शुरू करते हैं काम, 1 2 3 4 इसको तोड़ो, यहाँ पे लगाओ पावर्ड। चलो गाइस फटाफट से ये कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। 1 hour later ओके सो गाइस देखो फाइनली मैंने यहाँ तक तो बना लिया है, बहुत ज्यादा टाइम लग गया मेरे को, बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि रात हो गई और नीचे ये देखो मेरे को एरोज मार रहे हैं साले कुत्ते, एक तो यहाँ पे जॉम्बी मेरे को तंग कर रहा था बार बार, पता नहीं कहाँ गया वो, ये साला यहाँ से आया जॉम्बी, यहाँ से आया जॉम्बी और देखो देखो ये रहा वो जॉम्बी, इसको मैंने धक्का मार के नीचे तो गिरा दिया, लेकिन साला कहाँ गया भाई, वो जो एरो मार रहा था वो वाला किधर गया, देखो दो तीन एरो तो यहाँ मारे इन्होंने मेरे को यार, इसलिए रात को ना काम करने का मन नहीं करता। बट एनीवेज गाइस उसको छोड़ो, ये कितना सुंदर लग रहा है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने लगाया और ये यहाँ लगा दिया, कितना सुंदर लग रहा भाई, सोचो ये पूरा ऐसा होगा एंड जस्ट इमेजिन भाई जब ये ट्रेन से हम चलेंगे, वैसे वो देखो दूर से कितना सुंदर लग रहा है ये लावा ब्रिज, है ना, लावा का जो क्या बोलते हैं इसको यार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, सपोर्ट ही बोल लो भाई, ब्रिज का सपोर्टर ही बोल लो, क्योंकि ये वाला तो बहुत नॉर्मल सा है बट सुंदर लगता है दिखने में, दैट्स इट। अब आगे जाके जब ग्राइंड करेंगे ऑफलाइन में उसको और सुंदर बना देंगे, वो तब का तब देखा जाएगा, बट गाइस ये तो मैंने बना लिया, अब यहाँ से पूरा कंटिन्यू करते हैं यहाँ तक। और गाइस एक और चीज आप ध्यान दो, जहां से जब ये ट्रेन यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रही है, मतलब मुड़ रही है ट्रेन, तो मैंने यहाँ पे ऐसे एक चेक पॉइंट बना दिया ताकि अच्छा लगे, ऐसे रोलर कोस्टर में होता है ना सेफ्टी पॉइंट, तो ये काइंड ऑफ सेफ्टी पॉइंट है भाई। अभी तो और कोई मॉन्स्टर मेरे को नहीं दिख रहा, ये रहा ये मारेगा मेरे को पक्का, इसके हाथ में क्या है भाई, ये मारेगा मेरे को पक्का, इरिटेट करेगा यार, मेरे को लगता है गाइस मेरे को ना एक बेड अपने साथ लेके आना चाहिए, कभी भी अगर कुछ हो तो यहाँ पे बेड लगाओ और सो जाओ, है ना, एक काम करते गाइस चलो फटाफट से पहले तो वहां जाके सो जाते हैं एंड उसके बाद बेड भी साथ में लेके आ ही जाते हैं। The next day. Okay, so guys, ये वाला बेड ले लेते हैं, ठीक है, और सुबह भी हो चुकी है, इसी बेड पे मैं सो गया था एंड इसको रखते हैं यहीं पे, कहीं पे रखते हैं, यहाँ पे और रेल्स होंगी, ये भी ले लेते हैं फटाफट से। वैसे गाइस सच बताऊं मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरा मन कर रहा है फटाफट से माइनकार्ट बनाऊं और इसका शुरू कर दूं जर्नी, लेकिन नहीं यार जब तक पूरा नहीं बनेगा तब तक मजा नहीं आएगा। वैसे मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई कब जल्दी बनेगा यार, जल्दी बन जा भाई। चलो गाइस फटाफट से इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहले रोटेट मार देते हैं, अभी ये कितना है 1 2 3 एंड 4 यहाँ कर लेते हैं, इधर से ही बनेगा ना, हाँ ठीक है लेट्स गो बस आई थिंक यहाँ से ये पावर अगर इसको मिलेगा तो ये बाहर ना निकल जाए, बस वो डर है, 1 2 3 4 चलो गाइस फटाफट से एक यहाँ पे टॉर्च लगा ले, नहीं यहाँ लगाएंगे ना भाई क्योंकि जो उसका मूड है, ये लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उधर ऑलरेडी है कितने सारे, तो आई थिंक ये पावर देने के लिए सही है। एक यहाँ पे फटाफट से ब्लॉक लगा लेते हैं एक्स्ट्रा और एक यहाँ पे डर्ट लगा लेते हैं, यहाँ पे लगेगा ये, यहाँ पे लगेगा ये एंड वापस से गाइस गधा मजदूरी शुरू करते हैं ये वाले चेक पॉइंट तक। और आई थिंक अभी रात तो नहीं होने वाली है, वहां जाते जाते रात हो जाएगी तो वहीं जाके बेड लगाऊंगा, यहाँ लगाने का कोई मतलब है नहीं, तो चलो गाइस शुरू करें। जी मैम बिंग बिंग बो तुम सकते ना, कार छत पे छाती
सो गाइस पहले तो मैं ऐसे ट्रैक्स बिछा रहा हूँ, ठीक है, बीच में जो चार चार होगा उसको तोड़ के फिर वो बिछा लूंगा क्योंकि वो ज्यादा अच्छा पड़ता है। ओके सो गाइस देखो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ एंड बस ये टॉर्च लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं पोर्टल के पास पहुंच चुका हूँ। अच्छा मैं इस बार बेड लेके आया हूँ तो फटाफट से यहाँ पे ऐसा बेड लगाते हैं। कहाँ लगाऊं, यहीं लगा लेता हूँ। अब मेरे को यहाँ तक जाना है, फिर वहाँ तक जाना है, उसके आगे फिर और है, तो ये मैं पूरा बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने कहा था भाई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये रेलवे ट्रैक बनाना, बट लेकिन जब बन जाता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है भाई। अब ये सोचो कि जब यहाँ से ट्रेन चल के आएगी तो सोचो भाई और कितना मजा आएगा। एक काम करते हैं, चलो फटाफट सो जाते हैं, पहले खाना खा लेते हैं भाई। अरे अरे चलो सो जाते हैं एंड सुबह उठ के गधा मजदूरी वापस शुरू। क्या है क्या है क्या है, ये देखो साला। और गाइस एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, बीच में मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ। जैसे मैं यहाँ पे रास्ता बना रहा था ना, बहुत अजीब चीज हुई मेरे साथ। हुई क्या देखो, यहाँ पे बिल्कुल ट्री है मेरे पास में। ये ट्री मेरे को तोड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई मॉन्स्टर फालतू का स्पॉन हो गया ना रात को, ये दोनों ट्री मैं तोड़ दूंगा नीचे से जाके, ठीक है, तोड़ दूंगा ये दोनों ट्री, क्योंकि और ये वाला भी तोड़ दूंगा साला। पता चले वो स्केलेटन वहां पे आ जाए, वहीं से मेरे को ट्रेन में मैं जा रहा हूँ और मेरे को एरो मार रहा है। नहीं भाई ये एंडरमैन चढ़ जाए ऊपर, इसलिए भाई ये थोड़ा रिस्की लगता है मेरे को। Meanwhile, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो चुके हैं मेरे को ये पूरी बकलौली बनाते बनाते, एंड मेरा ऑलमोस्ट स्टैक भी खत्म हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा है बस, बाकी सब खत्म हो चुका है। एंड इतना तो मैंने बना लिया, बस मेरे को ये नीचे तक का बनाना है। और ये देखो मैंने थोड़ा सा ये ऑफलाइन में बना लिया था, मैंने आपको कहा था थोड़ा सा बना लूंगा क्योंकि ज्यादा दिमाग खराब होता है ये बनाने में, टाइम वेस्ट होता और कुछ नहीं है, टाइम बचाना था बस, इसलिए मैंने बना लिया था। यहाँ पे ट्रैक बनाएंगे एंड ये मेरा नेदर रूफ का पोर्टल है। तो अभी क्या करें, रात का टाइम है, एक काम करते हैं गाइस फटाफट से सो जाते हैं, एंड सोना ही सबसे ज़्यादा इजी होता है। लेट्स गो, दिन में काम करेंगे वरना इरिटेट करेंगे मॉन्स्टर्स, क्योंकि अब मैं नीचे आ चुका हूँ तो भाई वो तंग करेंगे, अटैक कर सकते हैं मेरे को। तो एक काम करते हैं, चलो फटाफट से अब वापस से गधा मजदूरी शुरू करते हैं। एंड अभी आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर ट्रेन चलेगी कैसे, आराम से चढ़ेगी भाई, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से नीचे उतरूंगा, ये पावर्ड रेल है, नीचे और आएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि चलो नीचे तो आराम से उतर जाएगी, लेकिन ऊपर कैसे चढ़ेगी। दैट इज द रीजन गाइज, यहाँ पे पावर्ड रेल है, पावर्ड रेल की वजह से ही मैं बना रहा हूँ भाई। अरे पावर्ड रेल तू किधर है भाई, इधर आ। ये पावर्ड रेल ही हेल्प करेगी ऊपर चढ़ने में, इसलिए यहाँ पे पावर्ड रेल बनेगी यहाँ पे, ताकि वो ऊपर चढ़े और यहाँ पे ऐसा बन जाए। अरे 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 अरे, ओ यहाँ पे भी पावर्ड रेल बन सकती है, मेरे को तो पता नहीं था भाई ये चीज, तो मैंने अभी देखी, मेरे को लगा यहीं पे बनेगी, बट कोई बात नहीं, पावर रेल हम यहीं पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, हम उसको ऊपर की तरफ नहीं करेंगे। एंड अरे 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 एक सेकेंड माय बैड, पावर रेल यहाँ पे बनाते हैं ताकि उसको चढ़ने का अच्छा से वो मिले भाई। हाँ यहाँ पे और यहाँ पे हम बनाएंगे पावर रेल, ताकि भाई उसको अच्छा सा पिकअप तो मिलना चाहिए भाई, यहाँ बीच में बनाते। अरे अरे यहाँ नहीं भाई यहाँ। चलो गाइस फटाफट से ये पूरा नीचे तक ले जाते हैं और फिर मैं आपको मिलता हूँ। ओके गाइस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड एक सेकेंड यहाँ पे ये रह गया, एक यहाँ पे पावर्ड होना चाहिए और यहाँ पे ऐसा होना, हाँ, और यहाँ पे ना चेस्ट लगा दूंगा या यहाँ पे चेस्ट डाल दूंगा और अगेन वहाँ पे मैं माइनकार्ट्स डाल दूंगा ताकि यहाँ पे मैं चेस्ट लगाऊँ। एक सेकेंड मैंने ना एक चीज़ गलती कर दिया, एक सेकेंड गाइस क्या, अरे यार गाइस मॉन्स्टर आ रहे हैं, रुक जाओ यार, क्या रात हो तो गई है, सो क्यों नहीं रहा, यू कैन स्लीप ओनली एट नाइट और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अरे तो भाई रात हो तो गई है, ये पागल है क्या माइनक्राफ्ट, पता नहीं भाई। एनीवेज छोड़ो, एक ये गलती कर दी, इसको यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, पावर रेल को ना गाइस इधर लगाते हैं बस। क्या है कहाँ है, जॉम्बी की आवाज़ आ रही है मेरे को, पता नहीं भाई, और इसको लगा देते हैं यहाँ पे बस। अब हो गया गाइस ये परफेक्ट, यहाँ पे माइनकार्ट लगाऊंगा, अब यहाँ से ये आराम से पावर रेल की वजह से ही ये ऊपर उठ पाएगा, जैसे रोलर कोस्टर होता है ना गाइस। यस, अब आपने रोलर कोस्टर मेरे मुँह से सुन लिया, तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अंडर वाटर
महल के बाद में बहुत बढ़िया रोलर कोस्टर अपने वर्ल्ड में बनाऊंगा, बहुत बड़ा रोलर कोस्टर बनाने वाला हूँ, पहले ये बना लूँ उसके बाद रोलर कोस्टर बनाऊंगा। गाइस सच बताओ मेरा तो बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि भाई मैं ट्रेन लेके आऊँ, अभी गिर जाता, ट्रेन लेके आऊँ और घूमूं, लेकिन आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है। अरे सो ही नहीं रहा है मेरे को, अभी रात ही तो है यार, पता नहीं भाई क्या रात नहीं है क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट कोई बात नहीं गाइस, मैंने ये वाला तो बना दिया है। अब सबसे मुश्किल आने वाला है मेरे विलेज से लेके एंड पोर्टल तक, जो इसका भी 3 गुना बड़ा है। तो सोचो भाई मेरा पसीना छूट जाएगा, अब मैं इस पे वीडियो रिकॉर्ड करूं या तो मैं एंड पोर्टल तक का पूरा बना दूं, मेरे को ये नहीं पता गाइस। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि मैं ऑफलाइन अपने विलेज से लेके एंड पोर्टल तक ऑफलाइन में बैठ के ख़त्म कर दूं, क्योंकि आपने तो इस वीडियो में देख ही लिया कि मैं कैसे बना रहा हूं, या तो उसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि जब वो बनेगा उसके बाद ही मैं ट्रेन बनाने वाला हूँ। वैसे एक काम करते गाइस, एक काम करते, आई थिंक देखो अब इतना बना लिया है तो मेरे ख्याल से एक बार अपने विलेज से यहाँ तक माइनकार्ट में आ जाए क्या, तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो रहेगी ना भाई, वरना बोलेगा भाई आप बना ही रहे हो, मजा तो नहीं दिखा रहे हो। तो गाइस एक काम करते, फटाफट से अपने विलेज में चलते हैं और वहां से यहाँ तक माइनकार्ट में आ ही जाते हैं, लेट्स गो। ये होता है भाई, पहले गाँव था, गाँव से थोड़ा सा घर बना, घर से कासल बना, अब तो पूरा साम्राज्य बन गया है और इसका नाम हम हैमस्टर विला, या ऐसे हैम विला तो बहुत छोटा होता है, कुछ तो रखेंगे गाइस, कुछ तो रखेंगे। तो चलो गाइस फटाफट से अंदर चलते हैं। कहाँ से, यहीं से नीचे उतर जाऊँ क्या मैं, नहीं रे मर जाऊंगा, वहीं से जाना पड़ेगा मेरे को। चलो गाइस फटाफट से जाके सो जाते हैं। ओके गाइस, सो अब एक काम करते हैं, फटाफट से माइन कार्ट बनाते हैं। माइन कार्ट कैसे बनती है एक बार हम देख लेते हैं, मैं भूल गया। हाँ माइन कार्ट कैसे बनती है, अबे ये तो बहुत ईजी है, मेरे पास तो बहुत सारे आयरन इनगट है भाई, अबे हटना बेवड़े हट। हाँ कितने सारे इनगट है और कितने सारे माइन कार्ट बन जाएंगे भाई, एक काम करते सब बना लेते हैं। ओ भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 माइनकार्ट बन गए हैं और अचीवमेंट अनलॉक हुई है। ओके माइनकार्ट बनाने की अचीवमेंट अनलॉक होती है, ये तो मुझे नहीं पता था, बट एनीवेज लेट्स गो टू आवर फर्स्ट जर्नी गाइस, लेट्स ब्लडी गो। चलो अरे अरे ऊपर चढ़ जा भाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई बड़ा। अरे अरे रुक जा, आर्मर उतारो भाई। अबे मेरा स्किन कहाँ गया, हैं स्किन क्यों नहीं मिल रही मेरी। अरे 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 भाई गाइस 2 मिनट रुक जाओ, मैं फटाफट से स्किन लगा के आता हूँ। Soon after. Okay गाइस, तो मैं अपना स्किन लगा के आ गया हूँ, पता नहीं भाई स्किन कैसे उतर गई थी, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, हो सकता है मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है इसीलिए, बट एनीवेज यहाँ पे फटाफट से काट लगा लेते हैं। यो एंड इन 3, 2, 1 जाऊंगा, लेट्स गो, चल ले भाई। ओके लेट्स गो। अरे भाई क्या मजा आ रहा है भाई, लेट्स गो, इजी हो गया गाइस, बहुत इजी हो गया, यस कितना मजा आ रहा है भाई, या ओ भाई कुछ नहीं करना, बैठे रहो आराम से और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे भाई। हैं ये क्या हो गया, अबे यार पावर ड्रेल ही नहीं लगाई थी मैंने, वाह भूल गया, ओ ठीक है भाई चलता है, होता है गाइस कभी कभी, इट्स ओके, पावर ड्रेल लगाना भूल गया, अब देखो होता है भाई क्या कर सकते हैं, वापस लगा लेते हैं यहाँ पे एंड वापस बैठते हैं। चलो लेट्स गो। अरे चल ले भाई, होता है भाई कोई बात नहीं, लगाना भूल जाऊंगा, लेट्स गो। अच्छा बना भाई, टेस्टिंग करनी चाहिए। ओ भाई क्या लग रहा है भाई, मजा आ गया। यो ए फसा, ये लेट्स गो, यस दैट इज द रीजन गाइस मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है। ओए 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 इसको वहां जाने किसने बोला है, चलो एक चीज तो अच्छी है कि अपने आप ऊपर चढ़ गया, पता चल गया कि मेरे को, हाँ अच्छा हुआ मैं बहुत सारे माइनकार्ट ले आया, मेरे को वापस से चल के जाना पड़ता,
मजा आ गया गाइस, मजा आ गया, मजा आ गया। अब ये वाला एक बार ट्राई करना बस मेरे को, ऊपर कैसे जाता है ये देखियो, रोलर कोस्टर की तरह। अरे 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 लेट्स गो। बस तू जा भाई, ये मेरा अभी विलेज तक चला जाएगा। ओ भाई ये तो सामान भी ट्रांसफर कर सकते हैं ना हम लोग, गाइस हम लोग सामान ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने देखा था कहीं चेस्ट वाली माइनकार्ट भी बनती है, तो मैं जो भी गोल्ड होगा ना, गोल्ड नगेट जो भी मैं ये गोल्ड फार्म से लेके आऊंगा, चेस्ट वाली माइनकार्ट बना लेंगे, उसमें गोल्ड नगेट डालेंगे और सामान भेज देंगे भाई ऑटोमेटिक। अच्छा वाह पानी में गिरा हूं, अच्छा वाह मरा नहीं, अबे भाई बच गया मैं। अब मुझे एक और काम करना है, जैसे कि मैंने ये ब्रिज के ये बना रखे ना गाइस, ये वाले सपोर्ट, अब मेरे को यहाँ पे भी एक नीचे सपोर्ट बनाना है और यहाँ पे भी सपोर्ट बनाना है। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे हवा में उड़ रहा है, ठीक है माइनक्राफ्ट का वो चलता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ये बना लूंगा। सो आई थिंक गाइस आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अब ज्यादा मैं करूंगा और एंड पोर्टल तक का मैं ब्रिज बनाऊंगा तो भाई ये 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी और मेरे को 5 घंटे लग जाएंगे ये रिकॉर्ड करने में। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ क्या मैं ऑफलाइन में बनाऊं एंड पोर्टल तक, या मैं उसके ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, आप मुझे बता दो जो भी है। एंड दूसरी बात, अब ऑलरेडी देख चुके हो कि मेरा ट्रेन सिस्टम कैसे चल रहा है, और हाँ जब मैं रेलवे स्टेशन बनाऊंगा ना भाई उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत प्यारा स्ट्रक्चर होगा। और मैं एक वो वाली भी ट्रेन बनाऊंगा कि आगे इंजन जैसा दिखे और उसके पीछे 3-4 माइंड कार्ट, वो भी चेस्ट वाली हो, और मैं आगे वाली पे बैठा हूँ और सामान लेके आ रहा हूँ, भाई मजा आ जाएगा भाई उस चीज पे। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आना नीचे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलता हूँ गाइस आपको जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।